नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। कन्नौज नगर पालिका परिषद में बीती रात लोगों ने अपनी उपवास निकालने के लिए यू के दफ्तर के बाहर गोबर और दफ्तर के बाहर पतिते मातरम के नाम से नोटिस चस्पा किए। शहर में सड़कों व नालियों की सफाई न होने पर कुछ लोगों ने अपना आक्रोश निकालने के लिए रात को सबसे पहले नगर पालिका मेन गेट का ताला तोड़ा, उसके बाद नगर पालिका इंद्र संजीव गौतम के दफ्तर के बाहर गोबर फेंककर विरोध जताया, साथ वंदे मातरम कार्यकर्ता के नाम से एक नोट भी चर्चा की है। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर पालिका चेयरमैन सुरेंद्र अग्निहोत्री का कहना है कि वंदे मातरम कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश है, पूरे मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर में पूरे मामले में नगर पालिका ईओ मीडिया से बचते रहे। नगर पालिका परिषद कन्नौज पिछले 15 सालों से जिन परिस्थितियों में थी, उन परिस्थितियों को देखते हुए जनता की अपेक्षाएं इस नवनियुक्त नगर पालिका से काफ़ी हैं। फिर भी हमसे जो त्रुटियां हो रही हैं, उन त्रुटियों को देखते हुए जनता ने एक संदेश दिया है हमको अपने कार्य के प्रति और जागरूक करने का, लेकिन जो तरीका जनता ने अपनाया है वो तरीका कतई संतोषजनक नहीं है। नगर पालिका परिषद के अशासी अधिकारी के गेट पे जो नोटिस छपा है उसमें समस्त वंदे मातरम कार्यकर्ता शब्द लिखा है, ये जांच का विषय है। क्योंकि सादे कागज़ पे कोई भी कलम से कुछ भी लिख सकता है और ये जांच का विषय है। हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।